हम अपना पहला चैप्टर तकरीबन खत्म करने वाले हैं जो कि सेलुलराइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स था। प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था, आई होप कि आप लोग ने उसके बारे में अच्छा वाला स्टडी भी किया होगा। बीच में ईद की छुट्टी आ गई थी तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम के हवाले से हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। ऑर्गन सिस्टम का आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गन होते हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पौधों में जो प्लांट ऑर्गन सिस्टम में हमने पढ़ा था, रूट सिस्टम के हवाले से हमने पढ़ा था। रूट सिस्टम में जो चीज कंप्राइज करती है, जो चीज मिलकर बनाती है वो होती है, इसकी रूट्स होती है, मेन जो होती है, और रूट्स के साथ इसके जो रूट शेयर होते हैं वो इसके साथ जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हो गया और साथ में इसके जो वाटर होता है उसको ऑब्जर्व करती हैं और साथ साथ में सपोर्ट करती हैं किसी भी किस्म की जो हवा होती है या पानी होती है उसके हवाले से सपोर्ट करती है ताकि बेहतर तरीके से उसको संभाला जा सके। रूट्स सपोर्ट करती हैं पौधे को गिरने से बचाती है और साथ साथ ये ऑब्जर्व करती है मिनरल्स को, वाटर को, और इस तरीके से एक जो फूड सिंथेसिस का मतलब है वो चलता रहता है। रूट सिस्टम था और साथ में इसके हमने पढ़ा था वो शूट सिस्टम के हवाले से पढ़ा था। शूट सिस्टम जो होता है वो बनाता है, मिलकर बनाता है, इसके लीव्स होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, पौधे के जो लीव्स होते हैं वो फूड फैक्ट्री होते हैं, यहीं पे जो खुराक होती है वो बनती है, लीव्स होती है, साथ में स्टेम हो गया और साथ में इसकी जो अपना क्या नाम है इसका ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस भी, ये सारे मिलकर शूट सिस्टम बनाती है। और ये आउटर पार्ट होता है जो कि ग्राउंड से या जो साइल होती है उससे बाहरी जो सरफेस होती है वहां पे वाकई होता है, इसका शूट सिस्टम होता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं, इसके रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ये मिलकर एक पौधे का पूरे का पूरा एक निजाम बनाते हैं जिसके मुताबिक ये काम करता है। रूट सिस्टम अपना काम करता है और शूट सिस्टम अपना काम करता है। इसके बाद हमने जो साथ में डिस्कस किया था बेटा वो था ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, जैसे कि डाइजेशन से जाहिर होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना ये कंप्राइज करता है वेजिटेबल होता है माउथ से और साथ में इसके फूड पाइप हो जाता है, फूड पाइप के साथ साथ फिर इसके स्टमक है, स्टमक के बाद जो है ना यकीन इंटेस्टाइन शामिल है इसमें, इंटेस्टाइन के दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वो शामिल है इसमें, और साथ में इसके एक्सक्रीशन होती है जो रेक्टम और एनस के साथ शामिल होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसके बारे में हमने पढ़ा था, और इसके अलावा मेन जो सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके हवाले से हमने पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मुश्तमिल होता है, नोज पर मुश्तमिल होता है, और इसके अलावा ये वो फूड पाइप था, यहाँ पे मेन पाइप आ जाता है, हवा का जो पाइप होता है, हवा की नाली जो होती है उस पर मुश्तमिल होती है जो कि ट्राइकिया कहलाती है। एंड पाइप हम पढ़ेंगे, यहाँ पे नोज होता है, एंड पाइप हो गया, उसके अलावा लंग्स होते हैं और ये लंग्स जो है ना ये रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम भी मेन सिस्टम है जिसको शामिल किया गया हमारे 6 के सिलेबस में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना ये कंप्राइज करता है ब्लड, ब्लड हो गया, साथ में ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई और साथ में इसकी हार्ट, इस पर मुश्तमिल सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो चीज थी वो हमने जो पढ़ी थी वो नर्वस सिस्टम था। नर्वस सिस्टम के हवाले से जो कि मुश्तमिल होता है नर्व्स, जैसा कि नाम से जाहिर है नर्वस सिस्टम मुश्तमिल था ब्रेन पर और साथ में इसके ब्रेन द स्पाइनल कार्ड जो कि मुख्तलिफ किस्म के हमारे रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं उनको कंट्रोल करती है,
जिसका काम ब्रेन तक नहीं होता, वो तमाम के तमाम के लिए रेस्पॉन्सेस पैदा करती है। ब्रेन स्पाइनल कार्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ये शामिल थी इनमें नर्वस सिस्टम में, जो कि हमने डिस्कस किया था इंशाल्लाह ताला। अभी हम मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स हैं जो कि पौधों में, इंसान में और साथ में जो फ्रेश वाटर एनिमल है जिसका नाम हाइड्रिया है, उसके हवाले से हम सेल्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। क्या चीज? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे बेटा। मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो होते हैं इंसान का जिस्म है, पौधों है, पौधे हैं, इसके अलावा और जो जानवर हैं उनका जिस्म कितने मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से मिलकर बना होता है, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसमें ह्यूमन बॉडी जो है ना, इंसानी जिस्म, क्या चीज बेटा? ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म कितने सेल्स पर मुश्तमिल होता है? ये मोर देन, यानी कि मोर देन 200। क्या चीज? 200 से ज्यादा, मोर देन 200, 200 से ज्यादा जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है इंसानी जिस्म जो होता है। और ये जो सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है इंसानी जिस्म जो होता है। और साथ में इसके फ्लावरिंग प्लांट्स के हवाले से बताता जो कि फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कितने सेल्स पर, यानी कि फूलदार पौधे जो कि फल देते हैं और जिससे फिर हम जो सीड हासिल करते हैं, इस तरीके से दोबारा पोलिनेशन होते हैं, इस तरीके से नया एक पौधा बनता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ना, ये नाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पर, मुख्तलिफ किस्म के जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, यानी कि नौ मुख्तलिफ किस्म के जो पुलिया हैं उनसे मिलकर बनते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के वाले से। पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी के वाले से, ह्यूमन बॉडी मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, 200 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं वो इसको कंप्रेस करते हैं, और यही सेल्स भी जो है ना टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो है ना वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यानी कि 200 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो है ना ह्यूमन बॉडी उस पर मुश्तमिल है, और ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं डेली बेसिस पे। और साथ साथ इसके फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट फूलदार पौधे लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, नाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है उन पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम आते हैं हाइड्रा की तरफ जो कि फ्रेश वाटर एनिमल है। हाइड्रा सेवन, क्या चीज बेटा? सेवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है ना उन पर मुश्तमिल होता है, और यही सेल्स जो है ना ये भी मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि सात मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है हाइड्रा। ये फ्रेश वाटर क्या चीज है बेटा? ये फ्रेश वाटर एनिमल है। अब हम आते हैं किडनी की तरफ। किडनी का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि किडनी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट का जिम्मेदार होता है, और वाटर लेवल जो होता है उसको भी मेंटेन, उसको रिटेन रखने के लिए अहम किरदार होता है किडनी का। पेयर ऑफ किडनी है, किडनीज एब्डोमिनल रीजन में वाकई होते हैं, और काम इसका रिमूवल ऑफ वेस्ट ब्लड में, जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो कि फुजलात होते हैं उनको रिमूव करने में किडनी का अहम किरदार होता है। और ज्यादा डिटेल में आप जब फिट क्लास में जाएंगे इंशाल्लाह तो उस वक्त आप किडनी की पूरी इसके स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ेंगे, इसके किडनी कहाँ पे वाक्य होते हैं और पेयर में होते हैं और इनका काम क्या होता है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी शक्ल कैसी होती है, वो सारे का सारा आप वहां पे जाके पढ़ेंगे। तो किडनी, यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि किडनी जो है ना ये रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वाटर जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है। अब हम आते हैं किसकी तरफ? अब हम आते हैं ऑर्गेनिज्म की तरफ। ये लास्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदार, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है ना ये मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन, और साथ में इसके जो ऑर्गन सिस्टम होता है
ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, ऑर्गेनिज्म ये जो होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट लेवल होता है। क्या चीज होता है? हाईएस्ट लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। सबसे जो हाईएस्ट लेवल होता है वो ऑर्गेनिज्म जो है ना कहलाता है। और इसमें जो ऑर्गन होते हैं और जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये एक कोऑर्डिनेशन के एक दूसरे के साथ इनका रब्त होता है, एक दूसरे के साथ इनका वास्ता होता है, एक दूसरे के साथ ये जुड़े होते हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं। ये था आज हम लोग का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था मुख्य किस्म के सेल्स के हवाले से, जिसमें ह्यूमन सेल्स थे, फ्लावरिंग प्लांट्स थे, और साथ में हमने किडनी के हवाले से पढ़ा और ऑर्गेनिज्म के हवाले से पढ़ा। इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दूसरा चैप्टर है उसके हवाले से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।